बॉर्डर की रक्षा के लिए भारतीय सेना कर सकती है इन 5 हवाई वाहनों का इस्तेमाल। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके लिए वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। मिराज 2000 विमान बहुदेशीय 4th जेनरेशन के फाइटर हैं। इसे फ्रांस की राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में सेना ने नेत्राई वी और हेरन ड्रोन का इस्तेमाल किया। अगर अभी की बात करें तो ड्रोन भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह जंग में प्लानिंग करने, अटैक करने और एक ऑब्जर्वर के तौर पर हमारी मदद करते हैं। आर्म्ड ड्रोन ने भारत को टेररिस्ट कैंपों को तबाह करने में मदद कर रहे हैं। जानिए कुछ ऐसे ही ड्रोन्स के बारे में। हेरोन आईएआई हेरन मैचैट्स एक इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मलत डिवीजन द्वारा विकसित किया गया एक मध्यम ऊंचाई वाला और लंबे समय तक चलने वाला मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। यह 10.5 किलोमीटर 35,000 फीट की ऊंचाई पर 52 घंटे तक उड़ सकता है। यह ड्रोन इंटरनल GPS नेविगेशन डिवाइस का या फिर प्री प्रोग्राम्ड फ्लाइट प्रोफाइल, जिसमें टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सब अपने आप होता है, का इस्तेमाल कर नेविगेट करता है। अगर ग्राउंड स्टेशन से यह अपना कनेक्शन खो दे तो यह अपने आप अपने बेस पर आ जाता है। इसमें पूरी तरह से ऑटोमेटिक लॉन्च और रिकवरी ALR और सभी मौसम में काम करने की क्षमता है। हार्पी इसे भी इजराइल ने बनाया है, जिसे भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। यह विस्फोटक ले जाने के साथ साथ रडार सिस्टम को भी नष्ट कर सकता है। इसे रडार सिस्टम पर हमला करने के लिए बनाया गया है। हार्पी को दक्षिण कोरिया, तुर्की, भारत और चीन सहित कई विदेशी देशों को बेचा गया है। ईवी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल ईवी सिस्टम DRDO की ओर से कैरियर जेट पर बनाया गया है। यह सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम CAB के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम देता है। यह DRDO और CAD द्वारा बनाया गया पहला घरेलू EO सिस्टम है। इसे पूरी तरह से घरेलू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म M145 का इस्तेमाल कर बनाया गया है। मिशन सिस्टम कंट्रोल MSC EV सिस्टम का ब्रेन है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स और अन्य सिस्टम से डेटा कलेक्ट करता है। यह ऑनबोर्ड सेंसर और अन्य सोर्स से प्राप्त डेटा का उपयोग कर आने वाले खतरों का आकलन करता है और एयर सिचुएशन पिक्चर ASP को प्रस्तुत करता है। निशांत DRDO निशांत एक मानव रहित हवाई वाहन UAV है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक शाखा वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया है। निशांत UAV को मुख्य रूप से दुश्मन के इलाके में खुफिया जानकारी एकत्र करने, प्रशिक्षण, निगरानी, आर्टिलरी फायर करेक्शन, डैमेज असेसमेंट, एलिंट और सिजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 4 घंटे और 30 मिनट तक उड़ सकता है। रुस्तम यह DRDO द्वारा बनाया गया लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट अभी प्रोसेस में है और रक्षा क्षेत्र की कुछ बड़ी कंपनियां इसे बनाने की बोली लगाने में लगी हुई हैं। यह UAV पहियों के साथ आया है, जो निशांत से थोड़ा आगे ले जाता है।